और जो भी मुरादाबाद से लोग हैं ना, मुरादाबाद सिटी से जो लोग देख रहे हैं, वो लोग प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी तरह आप भी एक्साइटेड हो जाओ और बात करते हैं हम लोग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे आप लोग? होपफुली बहुत बड़े होंगे और मैं बहुत बड़े हूँ। सो गाइस, फाइनली हम लोग स्टूडियो पहुंच चुके थे, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है हर रोज की तरह, और अभी एक अपॉइंटमेंट आई है, फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है और एक गॉड से रिलेटेड आई थिंक, मुझे नहीं पता पूरा टैटू, अभी भाई खुद बता देंगे आपको। तो ऐसा कुछ एक टैटू है, तो वो टैटू वही मैं करने वाला हूँ। और बाकी आज सुबह सुबह दर्शन हो गए हमें विवेक भाई के, और इधर कुणाल बैठे और इधर राजेश भाई आ चुके हैं ये लोग। और सच में मैं कल ही सोच रहा था इन लोगों के बारे में, सुबह मैंने राजेश भाई का फोटो फेसबुक पे देखा था तो मैंने लाइक ठोका था, और सुबह ही सुबह आ गए। तो बाकी अभी देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, अभी ये वाली अपॉइंटमेंट करते हैं, और बहुत सारी आज अपॉइंटमेंट रहने वाली है, ऑलरेडी बुक है सब, तो वो सारी अपॉइंटमेंट करते हैं। और आज मैं बैठ के यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी चेयर से, क्योंकि टैटू करना है ना अभी, तो चलिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया। गाइज, हेयर इज टैटू, ये वाला टैटू हो रहा है, और इधर गॉड का हैंड है आई थिंक, ये वाला गॉड है, ये एडम है, तो इस टाइप से करके कुछ है, मुझे ज्यादा इसके बारे में नॉलेज तो नहीं है। बाकी इधर भैया के ये वाला टैटू होने वाला है, भैया से हाय। आपको कहाँ से पता चला था हमारे स्टूडियो के बारे में? इंस्टाग्राम से। थैंक यू। और भैया के ऑलरेडी इधर टैटू है एक, जो भैया ने बाहर से कराया है, बाकी अब हमारे यहाँ से फर्स्ट टैटू करा रहे हैं भैया, और उधर भैया ने भी कोई टैटू करा रखा है, वो भी बाहर से है, और बाकी इधर तो सबसे मिल ही हो गए, तो देखते हैं कि अभी ये वाला टैटू कैसा रहने वाला है, स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, इधर फाइनली भैया का टैटू कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग, माइक्रो डिटेलिंग के साथ ये वाला टैटू हुआ है, और थोड़ा बहुत पेनफुल रहा, भैया को पेनफुल इसलिए लगा क्योंकि वो जो पोर्शन है ना, जो एरिया है वहाँ पे पेनफुल रहता ही है, वो स्किन स्ट्रैच होती है, तो उस चक्कर में। बाकी अभी दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस, फाइनली ये हो चुका है टैटू, और देख सकते हो डिटेलिंग, अंदर की फिंगर्स वगैरह का भी आप लोग शेड देख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर का भाई हाथ, मतलब ये गॉड का हैंड है एंड ये एडम है। तो बाकी भैया से पूछ लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा दाइंग टैटू स्टूडियो का। बताइए कैसा लगा आपको? थैंक यू। नेचर के बारे में बात मत करो, ये दोनों जानते हैं मेरा नेचर। अच्छा, थैंक यू। और टैटू कैसा बना भाई? थैंक यू सो मच। और इधर एक टैटू चल रहा है जिसे भूमि कर रही है, मैम का टैटू है वो, तो मैम इधर एक सर का नाम आप लिख पा रहे हो? ओके। तो गाइस, कुछ इस तरीके से रहा ये वाला टैटू, और बाकी अभी देखते हैं भूमि जो टैटू बना रही है वो वाला कैसा बनने वाला है। भैया को तो अच्छा लगा, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और देखते हैं कि अभी नेक्स्ट और क्या अपॉइंटमेंट रहने वाली है। गाइस, फाइनली वाला टैटू कंप्लीट हो चुके थे, और मैम का टैटू भी कंप्लीट हो गया था जो उधर भूमि कर रही थी। बाकी इधर लंच आ चुका है, और इधर बाबा भी आ चुके हैं, बाबा ने ऐसी खाली प्लेट उठा ली। अरे यार रुक जाओ अभी, तो लंच में दिखाता हूँ। आज मैंने मंगाए बाहर से दाल चावल, आज घर से लंच नहीं आया था, तो इधर दाल है ये येलो वाली, और ये राइस है। ये राइस है, और इधर ये भूमि का लंच है, बाकी इधर सैलेड वगैरह, तो अभी हम लोग खा लेते हैं एंड लंच कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक। एंड गाइज, अभी फाइनली लंच वगैरह सब कुछ हो चुका था, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स वगैरह आ गई थी, तो हम लोग अपॉइंटमेंट वगैरह कर रहे थे, और अभी टाइम हो चुका है रात के 9:30, तो अभी 9:30 बज चुके हैं, और हम लोग अभी स्टूडियो क्लोज कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये वाला ब्लॉग आपको कल ही देखने को मिले अगर पॉसिबल रहता है, वरना फिर इस ब्लॉग को मैं एड ऑन कर दूंगा जो आपको नेक्स्ट डे का देखने को मिल जाएगा। बाकी बहुत छोटा सा बना है तो मैं छोटा तो पोस्ट करने वाला नहीं हूँ, तो बाकी देखते हैं अभी और क्या रहता है। अभी 9:30 बज चुके हैं और हम लोग स्टूडियो को क्लोज कर रहे हैं, उधर फिटिंग वगैरह हो चुकी है और स्टूडियो प्रॉपर क्लोज हो चुका है, कुणाल उधर सब कुछ पैकअप कर रहे हैं, इधर बैग वगैरह रखा है, और ये हमारा सेटअप, देखते हैं अभी ऐड कर दूंगा मैं इस ब्लॉग का। अच्छा, एंड गाइस, कुछ इस तरीके से हम लोग स्टूडियो क्लोज करते हैं जैसा आपने देखा। बाकी अभी मैं कुछ आप लोगों से बात करने वाला हूँ लाइव के बारे में, तो मैं लाइव आने की सोच रहा हूँ, तो आप लोग मुझे प्लीज सजेस्ट करो, कोई डे सजेस्ट करो कमेंट करके, या कोई टाइम सजेस्ट करो, मतलब कुछ लोग टाइम सजेस्ट करो, कुछ लोग डे सजेस्ट करो, तो
तो मैं सोच रहा हूँ कि किस दिन, मतलब इस हिसाब से आप लोग जब कोऑपरेट करो यार, आप लोग जब सपोर्ट करोगे, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आते हैं यूट्यूब पे और बातचीत करते हैं। बहुत समय हो चुका है, लगभग 6 to 7 months हो चुके हैं लास्ट टाइम जब मैं लाइव आया था। मैं भी अपने टाइम निकालता हूँ और बैठते हैं 1 घंटा प्रॉपर, मैं लाइव आऊँगा, उसके बारे में बातचीत करते हैं आप लोगों से। और अभी भी क्वेश्चन आप लोग पुटअप कर सकते हो इस वाले ब्लॉग के नीचे। खैर अभी ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं मेरे चैनल में, पता नहीं क्या हो रहा है, कब बूस्ट करेगा मेरे चैनल, कब आप लोग सपोर्ट करोगे कुछ नहीं पता। अभी हम लोग ना वॉचिंग टाइम के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई मतलब डेली ब्लॉगिंग करते रहें, जिससे हमारा वॉचिंग टाइम इंक्रीज़ होता रहे। और आप लोग अच्छा प्यार दे रहे हो, अभी 1-2 घंटे में अच्छे अच्छे व्यूज़ आए थे, मतलब 40-50 ही आ रहे हैं। मुझे लगभग 70 दिन हो चुके हैं ब्लॉगिंग करते हुए, बीच में छूट गया था, कुछ डेज छूट गए थे, तो वो रीज़न था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब ऐसा होता ना कि जब किसी काम को हम कंटिन्यूसली कुछ टाइम तक करते रहते हैं, तो हमारी हैबिट में आ जाता है, तो कुछ ऐसा हैबिट से मतलब हट गया था, तो फिर वही होता है कि एक दिन कर लिया, नहीं करा, एक दिन नहीं करा, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद फिर मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह कुछ इस तरीके से निकल गए थे कि मत पूछो, तो ऐसा कुछ रहा सीन सारा। फिर 3-4 दिन लगभग ऐसे कर करके मैं लगभग 10 to 15 days में पूरा बैक हो गया। आप लोग प्लीज़ यार मुझे बताओ जल्दी से जल्दी कि मैं क्या करूँ, कैसे कॉन्सेप्ट लाऊँ। टैटूज़ वगैरह आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करा करो यार, कमेंट तो कर दिया करो। और लाइव आऊँगा मैं, तो लाइव के लिए आप लोग तैयार रहना। और मैं सोच रहा हूँ कि रैंडम लाइव आके बैठूँ, जिसे देखूँ तो कितने लोगों पे नोटिफिकेशन पहुँचती है। बस आप लोग मुझे टाइम सजेस्ट कर दो, मतलब टाइम उस समय के बीच में मैं आ जाऊँगा लाइव। और डेट हो या डे हो, वो सब चीज़ें मुझे वो कर दो, बस लाइव के बारे में आज मैं आप लोगों से इस वाले ब्लॉग में बात कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा ब्लॉग है, नहीं कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट डे ऐड, इसे कल ही मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब रात में आज एडिटिंग करूंगा और कल मॉर्निंग तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और क्या और YouTube में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए मुझे, वो सब चीज़ें और बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से लाइव आके। तो प्लीज़ लाइव के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी तरह आप भी एक्साइटेड हो जाओ और बात करते हैं हम लोग। और जिसे टैटू से रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे, ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी, मोटिवेशन से रिलेटेड। इस बार ना मैं कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, मतलब मैंने खुद कुछ तो करा नहीं वैसे आज तक, बस ये थोड़ा बहुत स्टूडियो वगैरह कर चुका हूँ, तो बस यही। बाकी किसी को भी मोटिवेशन चाहिए तो बता देना, पॉजिटिव के साथ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कुछ भी। अगर आपको कोई रीज़न है, कोई बिजनेस के बारे में पूछना है, कुछ भी, जितना मुझसे आता होगा उतना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। बाकी लाइव आऊँगा, लाइव के लिए तैयार रहना बिल्कुल, ठीक है, फिट एंड फाइन। मैं भी मिलता हूँ आप लोगों से लाइव, है ना कुणाल, लाइव आते हैं नहीं क्या? जरूर जरूर, क्या बात क्या बात, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें, बस इसी में हंस रहे हो, वैसे नहीं हंसते हो दिन भर, चलो कोई बात नहीं। बाकी देखते हैं कि ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा, आप लोग कोऑपरेट करोगे नहीं करोगे। डेली ब्लॉगिंग का मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद पॉजिटिविटी, बाकी ना मेरे अंदर निगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है, तो मैं किसी भी चीज़ को छोड़ने को, किसी भी चीज़ को पकड़ने को तुरंत तैयार हो जाता हूँ, बट ऐसा नहीं है, अभी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं खुद ही। और डेली ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग तो आता रहेगा, अब डेली ब्लॉग गया एक तरफ, पर ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। और लाइव भी आऊँगा मैं जल्दी से जल्दी, बिल्कुल हो सकता है तो मैं नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले, मतलब अब ट्यूसडे तो बीत गया, नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले मैं बिल्कुल लाइव आऊँगा। और अपने आप को सोच रहा हूँ कुछ चेंजेस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें करने को, जिससे मैं लाइव आ सकूँ आप लोगों के साथ और बातचीत कर सकूँ। तो प्लीज़ लाइव के बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ, कोऑपरेट करो और बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट करके बताओ कि मैं कब आऊँ लाइव और किस दिन आऊँ और क्या टाइमिंग सही रहेगी, मतलब मॉर्निंग आऊँ इवनिंग आऊँ। वैसे मैं सुन रहा हूँ कि अब की बार इवनिंग आते हैं, रात के टाइम हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि रात में मैं अपॉइंटमेंट से फ्री हो जाता हूँ अपनी, और उसके बाद फिर आप लोगों से अच्छे मिलजुल के बात करते हैं लाइव रात में, ठीक है ना? रात में 7-8 बजे आते हैं, 9-10 बजे तक रहेंगे, बट पता नहीं रात में कैसा रिस्पॉन्स रहेगा लाइव का, दिन में बता दो यही तो कन्फ्यूज है ना, कमेंट करके बताओ। हाँ लगभग 7 बजे अगर आप लोग फ्री हो जाते हो तो आप लोग प्लीज मुझे बता देना, तो मैं 7 बजे लगभग आ जाऊंगा लाइव, आऊंगा तो जरूर। और मुरादाबाद से जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताओ, आप लोगों से एक दिन मीटअप रखते हैं ना, मीटअप भी रखते हैं एक दिन। एक दिन मुरादाबाद के पीपल से मिलते हैं, मतलब जो ही मुरादाबाद से लोग हैं ना वो प्लीज, वैसे मिल तो चुके होंगे क्योंकि 90% मेरे क्लाइंट्स ही मुझे देखते हैं, तो वो लोग तो मुझसे मिल चुके हैं तभी जाके मुझे देख रहे हैं। तो बाकी आप लोग अगर नए हो मुरादाबाद से तो वो भी कमेंट करो, और आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन करता हूँ मैं, आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन करता हूँ, ये भी करता हूँ, सारे काम करूँगा, बस ये है कि मुझे कोऑपरेट करो, मुझे नहीं, मैं भी आप लोगों को कोऑपरेट करता हूँ जहाँ तक मुझसे होगा, यूट्यूब से रिलेटेड या कैसी भी नॉलेज मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। इतना बड़ा कोई हो चैनल नहीं है, ब्लॉग का चैनल है, और ब्लॉग के चैनल ऐसी ग्रोथ होते हैं। बाकी अगर मैं नॉलेजबल या इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा ना तो वो थोड़ी सा ज़्यादा बूस्ट देगा, बट मेरा मन नहीं है, आई कैन बट आई एम नॉट डूइंग
मैं कर सकता हूँ बट मैं करूंगा नहीं, मतलब करूंगा क्या, मुझे मजा नहीं आता यार वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के इधर उधर जाओ और ये सब करो। बाकी ठीक है, अपने टैटू का चल रहा है सब कुछ, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, बाकी कॉलैब करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। देखो मेरे साथ कोई भी कॉलैब कर सकता है, बिल्कुल किसी के साथ भी, मैं आई एम रेडी फॉर एनीवन एल्स बोल सकते हैं। सो गाइस फाइनली आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं इसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, लव यू, टेक केयर। और प्लीज मुझे बता दो जल्दी से कि कब लाइव आऊं, इवनिंग में सोच रहा हूं, इवनिंग मुझे कंफर्ट लग रहा है बिल्कुल, कोई डेट वेट सजेस्ट कर दो। और जो भी मुरादाबाद से लोग हैं ना, मुरादाबाद सिटी से जो लोग देख रहे हैं वो लोग प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाऊंगा या फिर आप लोग मेरे साथ ब्लॉग बना लेना, हम लोग करते हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन, ठीक है, चलो मिलते हैं।